हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल गुप्ता एंड आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस ड्रेस फॉर्म को उल्टा क्यों रखा है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पे, मैंने इस ड्रेस फॉर्म का मेजरमेंट लिया था, तो आप इस वीडियो को देख लेना कि मैंने फ्रंट साइड का मेजरमेंट कैसे लिया है। तो आज मैं बताने वाली हूँ बैक मेजरमेंट, क्योंकि अगर आप ड्रेस बनाएंगे ऑब्वियसली आप फ्रंट का साइज बनाएंगे तो बैक का भी बनाएंगे, तो आपको बैक का मेजरमेंट आज मैं बताने वाली हूँ। फ्रंट बॉडी का भी मेजरमेंट वाला वीडियो देख लेना, तो क्योंकि अगर आप उसको देखोगे तो ये वाला भी हेल्पफुल। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेना होता है कि फुल लेंथ बैक का क्या होता है। तो मैंने जैसे फ्रंट पे लिया था ओवरऑल सेम वैसे ही है, कुछ कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। तो आप मेजरमेंट टेप को ऐसे सेंटर में रखेंगे, सॉरी सेंटर में नहीं, आप इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, शोल्डर पे, और शोल्डर के एज पे रखना है और आपको फिर स्ट्रेट मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो मेजरमेंट कुछ आ जाएगा आपका 18, ओके। बैक का जो फ्रंट का लेंथ है वो है 18, ठीक है। तो नेक्स्ट मेजरमेंट है सेंटर बैक लेंथ। अब ये जो मैंने लिया वो फुल लेंथ था, अब मुझे सेंटर बैक लेंथ का लेना है। तो सेंटर बैक लेंथ ये है, ये जो लाइन है ये सेंटर बैक लेंथ का लाइन है, ठीक है। तो आपको मेजरमेंट टेप को एकदम सेंटर पे रखना है। मैंने इस साइड मैंने बनाया था तो मैं इसी साइड का ही यूज़ करने वाली हूँ, ना कि इस साइड, ओके। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से सेंटर लाइन जो स्ट्रेट जा रहा है आपको टेप को रखना है। आपको सेंटर लाइन टू बॉटम ऑफ द वेस्ट सी आपको मिलेगा यहाँ पे। सो आई गॉट 16.5, ओके। नेक्स्ट मेजरमेंट है अक्रॉस बैक शोल्डर, ओके। टेप को, ये जो टेप है इस टेप को आप कुछ ऐसे रखेंगे, क्योंकि आप क्रॉस बैक शोल्डर है तो आपको टेप को सेंटर लाइन टू शोल्डर एज सी ऐसे आपको क्रॉस करते हुए लेना है। और ये आ रहा है 7¾, ऑलराइट। आपको अगर फुल में लेना है तो आप ऐसे लेते हैं सी, अगर आपको हाफ में लेना है तो आपको टेप को कुछ इस तरीके से रखना होता है। स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट मेजरमेंट है शोल्डर स्लोप। नेक्स्ट शोल्डर स्लोप आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शोल्डर स्लोप मैंने फ्रंट का भी होता है बैक का भी होता है, तो आपको यहाँ पे शोल्डर के एज पे ऐसे टेप को रखना है और यहाँ के सेंट्रल लाइन पे आपको इस तरीके से क्रॉस करते हुए डायगोनली आपको मेजरमेंट टेप को रखना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 17 इंचेस, ऑलराइट। नेक्स्ट मेजरमेंट है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आप समझो, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। और ये सब चीज़ें आपको अगर क्लियर नहीं हो पा रही है तो फ्रंट वाला अगर वीडियो आप देखेंगे पहला इसका पार्ट वन, तो आप समझ जाएंगे, उससे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने कुछ कुछ चीज़ें डिटेल में बताई हैं, ओके। सो नेक्स्ट मेजरमेंट है वेस्ट, ओके। वेस्ट का मेजरमेंट आप सेंट्रल लाइन पर ऐसे रखेंगे सी, यहाँ पर आप रखेंगे और यहाँ पे आपको साइड सिंग पर एंड करना है। तो ये आ रहा है आपका मेजरमेंट 16.5, ओके, इंचेस। सो नेक्स्ट मेजरमेंट है शोल्डर ब्लेड। यहाँ पे मैंने चेस्ट का लिया था, सेम ऐसे ही यहाँ पे होता है 3 इंचेस डाउन आप जाएंगे यहाँ से, ठीक है। थ्री टू फोर इंचेस आप जाएंगे, इसके बाद आपको, मैं 3.5 जा रही हूँ, तो यहाँ से आपको ओवरऑल जो ये होता है ना, इसका जो वाइडेस्ट एरिया है इसको ही मेज़र करने के लिए होता है। तो ये शोल्डर ब्लेड ये कुछ इस तरीके से इसका मेजरमेंट होगा। तो टेप को सीधा रखिए, मेरे को दिख नहीं रहा है कैमरे की वजह से क्योंकि मैं पीछे हूँ ना, तो या टेप सीधा है ना, तो आपको टेप को एकदम स्ट्रेट रखना होगा। मैं ऐसे मान लेती हूँ, बेस्ट होगा, ओके। तो टेप को एकदम स्ट्रेट रखना है, तो ये आ रहा है 7 इंचेस ओनली, ओके। सो नेक्स्ट मेजरमेंट है अक्रॉस बैक। जैसे कि बस्ट एरिया होता है वैसे ही बैक में अक्रॉस बैक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको 2 इंचेस या 1 पॉइंट या समथिंग, 1 पॉइंट मतलब 1.5 इंच आपको डाउन जाना है आर्म प्लेट से, 0.5 इंचेस आप डाउन जाएंगे, फिर ऐसे आप यहाँ पे आप मार्क कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका ओवरऑल जो वाइडेस्ट पार्ट होता है बैक का, उसी को बोलते हैं अक्रॉस बैक शोल्डर, अक्रॉस बैक ओवरऑल, ठीक है। तो आपका वाइडेस्ट पार्ट जो भी है, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से वाइडेस्ट पार्ट जो भी आपको यहाँ की जो वाइडेस्ट एरिया दिख रही है उसी को आप मेज़र करेंगे एज अ अक्रॉस बैक, ठीक है। तो ये आ रहा है 18.34 इंचेस। नेक्स्ट मेजरमेंट है साइड सीम, ओके। फ्रंट में भी होता है बैक में भी होता है, तो साइड सीम 1/2 इंच डाउन आर्म प्लेट से, ठीक है। आप स्ट्रेट ऐसे रखेंगे स्ट्रेट, तो ये आ जाएगा 8.14 इंचेस। नेक्स्ट मेजरमेंट है शोल्डर लेंथ। शोल्डर लेंथ बैक में भी होता है फ्रंट में भी होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर लेंथ आपको इस तरीके से शोल्डर के एज पे रखना है, ये आएगा 5 इंचेस ओनली, ठीक है। नेक्स्ट मेजरमेंट है नेक टू प्रिंसेस लेंथ। बैक में और फ्रंट दोनों जगह प्रिंसेस लाइन होता है, मैंने प्रिंसेस लाइन के बारे में डिटेल दिया है, आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना।
तो नेक टू प्रिंसेस के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं प्रिंसेस लाइन. ओके, तो नेक टू प्रिंसेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है, तो ये आ रहा है 2 inches ओनली. दिख रहा है ये जो लाइन जा रहा है ना, ये यहाँ पर भी है, ठीक है. तो इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है, तो ये आ रहा है 2 inches ओनली. नेक्स्ट प्रिंसेस लाइन, प्रिंसेस लाइन यहाँ से भी मेजर कर रहे हैं, इस लाइन को भी मेजर कर लिया, अब इस लाइन को मेजर करेंगे, तो ये है प्रिंसेस लाइन. सी, तो ये आ रहा है 3 inches ओनली, ठीक है. ओके, सो ये था, अब तो कुछ बाकी नहीं है वैसे, तो ये था बैग का मेजरमेंट. ओके, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं. ये मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, फैशन ट्रेंड के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पढ़ेंगे या अगर ड्रेस मेकर है तो ये सब चीज़ें प्रोफेशनल ड्रेसिंग के लिए, ड्रेस मेकिंग के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल होगा. तो ये मेजरमेंट आप अच्छे से ध्यान रखो. मैं इसका पैटर्न भी बताऊंगी और पैटर्न के साथ साथ कौन कौन सी जो डार्क मैनिपुलेशन वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ क्लियर करूंगी स्लोली स्लोली, क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही वीडियो बनाती हूँ, तो मैं कमांड दोनों पे बैलेंस करके ही करूँगी. ओके, ऑलराइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. बाय बाय, टेक केयर. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना. बाय बाय.